ताप क्या होता है वह बताओ। न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उससे पदार्थ का जलन ताप करता है। वाह बहुत अच्छा, और थोड़ा कस के बोलो, और आओ तो इधर आके बोलो, आना रे नजदीक में आके बोलो ना तुम ही आओ। हाँ बताओ क्या बोलो जलन ताप के बारे में। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है पदार्थ का जलन ताप करता है। ठीक है ठीक है, और नंबर नंबर में आओ बैठ। चलो बताओ तो एक क्वेश्चन कि कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कमरे के ताप पर भी आग पकड़ लेता है बताओ। हाँ तुम बोलो क्या। सफेद फास्फोरस। उजला फास्फोरस। सफेद फास्फोरस। ठीक ठीक बहुत अच्छा जवाब दिया है। अरे चुरकुट तू क्या करता है रे, पढ़ता नहीं घर पर आ? तो नाम बर्बाद हो रहा है समझ लो, सबसे तेज तू ही है और सबसे पीछा हो जा रहा है। ठीक है जाओ लाइन में लगो जल्दी। बताओ अगर चलो रे आओ रे, सब बताओगे चलो। मोम एक हाइड्रोकार्बन है, मोम एक हाइड्रोकार्बन है, यस या नो। यस। नो नो नो। क्या होगा बताओ। है ना मोम क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। चलो तो जो हाइड्रोकार्बन है यानी किसका बना होता है बताओ तो। हाइड्रोजन और कार्बन। आगे 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 जवाब बताओ किसका बना रहेगा, जल्दी आओ इधर, इधर आओ नजदीक में। हाँ किसका रहेगा, हाइड्रोजन और कार्बन का। गुड बहुत अच्छा, हाइड्रोजन और कार्बन का बना रहता है कौन चीज, मोम। ठीक है चले जाओ पीछे, और पीछे वाला सब आगे बताओ। ईंधन को यानी कोई भी ज्वलन पदार्थ को जलाने पर है ना, या जलने पर क्या क्या निकलता है। ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन बोलोगे बताओ। ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा, क्या होगा रे, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। इधर आओ करिया इधर आओ। तो ऐसा नहीं ला आ ये हम पहले मत से दोबारा सही जवाब दिया है, जल्दी आओ। नहीं बताओ रे तुम बताओ। दोसा बताओ। हां इधर आओ इधर आओ रे, सुन रे। ईंधन के जलाने पर क्या मिलता है, क्या मिलेगा बताओ। सही बोला था, कोई ईंधन को जलाओगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन सही बोला रे, क्या होगा बताओ। क्या होगा दोस्त, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। अरे फ्लॉप कर जाओगे इसे में। चलो आप बता, आप पूछते हैं बताओ, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है कि अधिक होता है। कम। क्या होगा, कम। कम होगा सही में। अच्छा ये बताओ कि जब मान लो घर में या कहीं भी आग लग जाता है केरोसिन तेल के अकॉर्डिंग, यानी केरोसिन तेल से या पेट्रोल के थ्रू से, तो हम पानी डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। नहीं, नहीं। क्यों नहीं डालना चाहिए, इसलिए पानी भारी हो तो पानी नीचे चले जाता है, तेल ऊपर आ जाता है। अच्छा फिर से बार रिपीट करो, बहुत अच्छा जवाब बोले हो। पानी भारी रहता है अंदर चला जाता है, तेल ऊपर हाला रहता है ऊपर आ जाता है। बहुत अच्छा गुड, अच्छा सटीक जवाब दिया है। चला ठीक है चलो अब हम तुम लोग से पूछते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया रे, सीख के याद करके आया था घर से। वाह चलो पूछते हैं नहीं। अच्छा बताइए कागज के कटोरे में अगर पानी रख दिया जाए, समझे ना, कागज के कटोरे में पानी रख के और उसको गर्म करना करा जाएगा या करा जाता है, तो वो कटोरा यानी कागज का जो जलेगा कि नहीं जलेगा। नहीं नहीं जलेगा नहीं। बता सकते हो कि नहीं जलेगा। हाँ। क्या उष्मा का अनुचलन पानी में होता रहता है। वाह गुड, बहुत अच्छा जवाब दे रहा है। अरे बताओ इशारा पक्का तो आ जाएगा। चलो संचरण होता रहता है पानी का, क्लियर, जिसकी वजह से क्या होता है कागज जो है नहीं जलता है, समझा। कौन सा कागज, कोई भी कागज होगा जिसमें पानी होना चाहिए, समझे ना। चलो ठीक है सर, ये को भी हम नहीं जानते हैं। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है या नहीं। हाँ। सही जाने दर। हाँ, है का। है का? पक्का छे। हाँ। है कोई पदार्थ जलाने के लिए किसका आवश्यकता होता है, किसका वगैरह, ऑक्सीजन। हाँ मतलब वायु का कह सकते हो, सही बोले ऑक्सीजन का होता है। बहुत अच्छा चलो, लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। गलत। आ नहीं। गलत बात है, नहीं
क्योंकि वो तो सलाई के खोपी पर रहता है नहीं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, लाल फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस में कौन जल जाता है? व्हाइट फास्फोरस। बहुत अच्छा, जरा पढ़ क्या था छोरा? नहीं रे देख रहा है चिड़कुट पर क्या था? क्या रे, क्या गया अभी अभी? एक चीज और वो गधा उससे कुछ नहीं होने वाला। याद आज के वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।